एसएससी पीजीटी प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य आज जिला स्कूल से लेकर फ्रायलाल चौक तक विशाल मशाल जुलूस निकाले हैं। उनका मांग कई मांग है, लगातार इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। हम सीधे उनसे जानते हैं पीजीटी के अभ्यर्थियों से और कि किस मांग को लेकर आज विशाल मशाल जुलूस निकाले हैं। सर, क्या कुछ मांग है जिसके लिए आज मशाल जुलूस निकाला गया? देखिए, एसएससी द्वारा लगातार कभी प्रश्न पत्र लीक होना, कभी सीटों को बेच देना, कभी नियुक्ति पत्र बांटने के नाम पर तिथि घोषित कर उसे कैंसिल कर देना, ये छात्रों के साथ भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी के चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक जी के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ मशाल जुलूस कर रहे हैं। अच्छा, आज नियुक्ति पत्र भी बांटना था मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, लेकिन आज रद्द कर दिया गया, इसको लेकर आप लोग क्या बोल रहे? देखिए, सरकार खुद में ही विचलित है कि चंपई जी रहेंगे कि हेमंत जी आएंगे, वो खुद में भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है इसी कारणों से उन्होंने रद्द किया है। क्या कहेंगे आज, किस कारण आज मशाल जुलूस निकाला गया? देखिए, हम लोग का एक ही डिमांड है, जेएसएससी का जो परीक्षा सीट बेचा जा रहा है ये, तो इसका विरोध हम लोग करेंगे। सरकार से हम लोग इसका डिमांड करते हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए। अच्छा, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसके कुछ मूल कारण क्या, किसकी वजह से आप लोग ये कर? कोई मूल कारण नहीं है, एक ब्रांच से 500 लड़का निकल जाता है, इससे बड़ा मूल कारण है। कौन सा ब्रांच है? अब कोई सा ब्रांच है, अब ब्रांच का नाम हम क्यों बताएं? आप देखिए तो देखिए, पीजीटी के कई अभ्यर्थी का इनका सीधा आरोप है कि बोकारो में एक ही सेंटर से ज्यादा अभ्यर्थी पास किए हैं और टॉपर वहीं से हैं। और भी लोग क्या मांग है आप लोग का मांग है जिसके सीट को बेचा जा रहा है? झारखंड के जो भी युवा, उनका भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण से आते हैं, जिनके माँ बाप किसान हैं, वो किस तरह से मतलब किसानी का काम करके वो मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने भविष्य के लिए सोचते हैं कि हम आगे पढ़ के कुछ बनेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो झारखंड सरकार है वो पैसा का बोलबाला है, वो पैसा के लिए सीट, और झारखंड के युवा जो है उनका भविष्य के साथ खेल रही है। और हम तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक इसकी सीबीआई जांच ना हो। झारखंड का देखिए, और भी लोग किस मांगों के लेकर आज यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, जेएसएससी पीजीटी में जिस प्रकार से धांधली हुई है, लगातार छात्र उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनके डिमांड को नहीं मानने का काम किया। आज जब खुलासा होता है जिस प्रकार से पीजीटी में गड़बड़ी हुई है, एक ही सेंटर से 500 अभ्यर्थी पास हो गए हैं, अभी तक इनका मेरिट लिस्ट नहीं आ पाता है, ये पूरी तरह से गड़बड़ झाला है और पूरी तरह से जेएसएससी सेट है, स्टूडेंट इस राज का अपसेट है। अच्छा, मूल कारण क्या है, किसके वजह, कुछ कारण बताया जिसके कारण? कारण है कि एक ही सेंटर से कैसे 500 अभ्यर्थी पास हो गए, कुल मिला जुला के 3120 पोस्ट पे इन लोगों ने नियुक्ति निकाला, और 6 ही सेंटर से, इस राज्य में 24 सेंटर थे, मात्र 6 सेंटर से 1684 लोग पास हो गए। ये पूरी तरह से 6 सेंटर की जांच होनी चाहिए, जो लोग भी सिस्टम को हैक करने का काम किए हैं, जेएसएससी को हैक करने का काम किए, उनको जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य आज मशाल जुलूस निकाले हैं जिला स्कूल से लेकर फिरायलाल चौक तक मशाल जुलूस निकाले। इनका सीधा मांग है कि जो बोकारो सेंटर में पीजीटी के अभ्यर्थी ज़्यादा पास किए हैं, टॉपर वहीं से है। फिलहाल मुझे इजाजत अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ, यशवंत कुमार, 99 न्यूज़, रांची।